हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके पास एक प्रोग्राम लेके आई हूँ। इस प्रोग्राम का नाम है मैक्सिमम सब एरे। मतलब हमें एक इंटीजर एरे दिया जाएगा, उसका जो मैक्सिमम सब एरे मतलब जो सब एरे इसी एरे से बनता है। मतलब इसका हम कितना सब एरे बना सकते हैं हम आपको बता के दिखाएंगे, मतलब बना के दिखाएंगे। और उसका जो लार्जेस्ट सम होगा उसको हमें रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोग्राम है ये एक स्पेशल एल्गोरिदम से सॉल्व होता है जिसका नाम है कैडेंस एल्गोरिदम। पहले हम आपको थोड़ा सा वो समझा लेते हैं, उसके बाद ये प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। देखिए, ये हमारे पास एक एरे है। सोचिए, ये हमारे पास एरे है। ये जो है ये हमारे पास एक एरे दिया गया है। इससे हम कितने सब एरेज निकाल सकते हैं और उनके सम, मतलब देखिए, हम सोचिए हमारे पास पहले एक एरे बन जाएगा। पहले हम एरे बना लेते हैं एक। पहले हमारा एरे क्या बनेगा? पहले हमारा एरे एक 5 का बन सकता है। उसके बाद हम एक और सब एरे बना सकते हैं जो हमारा 5 और 4 को कंस्टिट्यूट करके होगा, 5,4। फिर हम और एक सब एरे बना सकते हैं जो हमारा हो जाएगा 5,4,-1। फिर हम एक और सब एरे बना सकते हैं, जैसे हमारा हो गया 5,4,-1, फिर -1 और 7। और एक सब एरे बना सकते हैं 5 से। मतलब ये जो है इससे हम कॉन्टेजियस लोकेशन पे, मतलब इससे बगल से जितने हम सब आ रहे हैं, पहले 5 का एक बन जाएगा, फिर 5,4 मिला के एक, 5,4-1 एक मिला के, 5,4-1 और 7 मिला के एक, और 5,4-1,7,8 मिला के एक, ऐसे बनाएंगे। फिर हम 4 से पकड़ेंगे, 4-1 एक, 4 एक सिंगल सब एरे, फिर 4-1 एक सब एरे, 4-1 7 एक सब एरे, फिर 4-1 7,8 एक सब एरे, ऐसे हम सब एरे बनाते। फिर 1 से पकड़ेंगे, फिर 1 एक सब एरे, -1 एक सब एरे, फिर -1,7 एक सब एरे, फिर -1,7,8 एक सब एरे। फिर वैसे ही हम 7 से पकड़ेंगे, 7 एक सब एरे, फिर 7 और 8 एक सब एरे, और फिर 8 8 के लिए हम एक सिंगल सब एरे बनाएंगे जो है 8 का। और ये जो जितने सब एरे बन रहे हैं, मतलब 5,5,4, इनसे जो सम निकल के आएगा, मतलब 5, ये हो गया। इसका सम कितना हो गया? इस सब एरे का सम हो गया 5, और 5,+4 इसका सब एरे का सम होगा 9। और फिर हमारे पास और एक सब एरे, देखिए 5,4-1, इसका सब एरे का सम कितना होगा? 8। मतलब ये हमारा बड़ा है। पहले इससे हम चेक करेंगे ये बड़ा है कि नहीं, फिर इससे चेक करेंगे ये बड़ा है कि नहीं, मतलब ये छोटा है, तो ये हमारा मैक्सिमम सब है। फिर क्या करेंगे? 5,4-1, मतलब ये जो 8 हो जाएगा, 8+7, मतलब ये वाला हमारा इससे भी बड़ा है, तो ये हमारा सब एरे सम हो गया। मतलब ऐसे ही करके, मतलब फिर 4-1 चेक करेंगे, 4 ऐसे कर करके हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद हमारे पास जो सबसे बड़ा सब एरे सम आएगा उसको हम रिटर्न करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो दिया गया है उसको पहले लेके आते हैं। तो हमारे पास क्या दिया गया है? हमारे पास ये दिया गया है। देखिए, ये हमारे पास एक सब एरे, मतलब ये एक एरे दिया गया है। इस एरे को हम पहले लेके आते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें दो तीन चीज़ करना पड़ेगा। पहले हमें सम कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जो हमारा मैक्सिमम होगा उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सम के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। पहले हम इनिशियली जो है हमारे जो सम है उसको हम 0 कंसिडर करते हैं। मतलब हमारे पास कुछ भी किसी भी एरे का सम नहीं है, तो वो हमारा 0 हो गया। और फिर हम और एक कंडीशन क्या चेक करेंगे, जो हमारा मैक्सिमम है, मैक्सिमम जो है उसको हम इस -2 को कंसिडर कर सकते हैं, या फिर इंट मीन को कंसिडर करेंगे। हम पहले इस -2 को कंसिडर कर लेंगे। ये हमारा जो एरे है ये सबसे कम है, तो ये हमारा मैक्सिमम है, -2। मतलब इस सब एरे का सम -2 है, तो हमारा अभी
प्रेजेंट के लिए जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब मैक्सिमम सबेरे सम है, वो -2 है, और हमें 3 काउंट करना पड़ेगा। ये जो सम है, सम को हम इससे जोड़ेंगे, और अगर मैक्सिमम हुआ तो उसको अपडेट कर देंगे, फिर जोड़ेंगे, अगर मैक्सिमम हुआ तो हम उसे अपडेट कर देंगे। हमें 3 काम करना पड़ेगा। देखिए, हमें पहले एक सम जो वेरिएबल हमारा 0 है, उसके हमें जो हम ये जो एरे को हम जब ट्रैवर्स करेंगे उससे प्लस करते जाएंगे, प्लस करते गए। अगर -2 +1 अगर हमारा बड़ा हुआ तो मतलब -2 + 1 जो है वो हम इसमें स्टोर करेंगे। अब हमारा जो मैक्सिमम है उस पे हम चेक करेंगे कि हमारा जो मैक्सिमम है वो हमारा कौन सा वैल्यू मैक्सिमम है। मतलब ये मैक्सिमम हमारा ज़्यादा है, मतलब पहले हमारा मैक्सिमम क्या है, -2। मैक्सिमम जो है वो ज़्यादा बड़ा है या सम, मतलब ये जो -2 + 1 करके जो आया है वो ज़्यादा बड़ा है, वो हम चेक करेंगे। जो हमारा मैक्सिमम बड़ा होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। रिटर्न कहाँ के करेंगे, मैक्सिमम में करेंगे। मतलब अभी प्रेजेंट -2 + 1, तो हमारा मैक्सिमम क्या होगा, हमारा मैक्सिमम हो जाएगा तुम्हारा -2 + 1, मतलब -1। तो ये -2 + 1 हमारा -2 रिटर्न करेगा, मतलब -1 रिटर्न करेगा। तो हमारा अभी प्रेजेंट मैक्सिमम क्या होगा, -1। और अगर ये जो हमारा सम का वैल्यू है, जो ये जो सम है, ये अगर नेगेटिव हो जाएगा तो हम सम सम जो है उसको 0 रिटर्न कर देंगे। हर बार हम सम को 0 कर देंगे, नेगेटिव हो जाएगा फिर सम 0 कर देंगे, मतलब नया सबेरे वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सम जब तक 0 नहीं है तब तक रन कर, मतलब 0 होगा तो सम को हम 0 रिटर्न कर देंगे। तो ये कुछ कंडीशंस हम फॉलो करेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। तो हम एक दो कंडीशन के लिए आपको दिखा सकते हैं रन करके कि ये हमारा कैसे काम कर रहा है। तो यही सब हम पहले मानेंगे। तो इसके लिए हम पहले देख लेते हैं। देखिए, हम पहले क्या कर रहे थे, हम पहले आई को, मतलब जो ये है ये हमारा 0 पे है, तो आइए इसको कुछ आई जब हमारा आई इक्वल टू जब हमारा आई इक्वल टू 0 है तब हमारा सम क्या है, हमारा सम है इक्वल टू 0, मतलब आई 0 पे सम 0 है। तो सम हम क्या करेंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस ARR आई, मतलब सम जो हमारा होगा वो हमारा कितना होगा, 0, मतलब 0 प्लस ARR आई, मतलब -2। और फिर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे जो हमारा मैक्सिमम था वो मैक्स हमारा क्या है। जो हमारा मैक्सिमम हमने पहले लिखा था, हम पहले मैक्सिमम लिख लेंगे। मैक्सिमम प्रेजेंट मैक्सिमम हमारा कितना है, -2। तो हम चेक करेंगे जो हमारा मैक्सिमम है मैक्सिमम ज़्यादा बड़ा है, मैक्स चेक करेंगे मैक्सिमम, या फिर सम, सम कितना है हमारा, सम है हमारा -1। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा ओ पहले
पहले तो हमारा सम जीरो था, सॉरी पहले हमारा सम जीरो था, तो ये हमारा माइनस टू और माइनस टू, माइनस टू और माइनस टू में से हमें माइनस टू रिटर्न करेगा, तो माइनस टू हमारा मैक्सिमम में स्टोर हो जाएगा। फिर जीरो, फिर यहाँ पे आएगा जीरो, ए आर आई प्लस आई मतलब ये वन, सम कितना है हमारा माइनस टू। सम यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन था, अगर सम हमारा लेस देन जीरो है तो फिर वो हमारा जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा, मतलब अगर लेस देन मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू है या फिर कोई मतलब लेस देन जीरो है तो वो हमारा सम जीरो हो जाएगा। तो फिर ऐसे ही सम हमारा क्या था माइनस टू, तो हमारा सम फिर से जीरो हो चुका है, तो सम जीरो प्लस ए आर आर आई, आई क्या है वन, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे जीरो प्लस वन। तो फिर हम चेक करेंगे मैक्सिमम में से, मैक्सिमम हमारा क्या है, मैक्सिमम हमारा है, मैक्सिमम का क्या वैल्यू था हमारे पास माइनस टू, माइनस टू और वन, इन दोनों में से बड़ा कौन है, इन दोनों से में से बड़ा वन है, तो वन स्टोर हो जाएगा। फिर हमारा जो सम है, सम का वैल्यू अभी वन है, मतलब अभी हमें सम जीरो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम ऊपर चले जाएंगे, फिर हम चेक करेंगे सम, सम का वैल्यू क्या है वन, वन प्लस ए आर आई मतलब वन प्लस माइनस थ्री, वन प्लस माइनस थ्री हमारे क्या रिटर्न देगा माइनस टू। तो ये जो सम है माइनस, ये हमारा क्या रिटर्न क्या कर रहा है माइनस टू। तो हमें मैक्सिमम क्या चेक करना, मैक्सिमम के पास हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास वन और सम का वैल्यू कितना है, सम का वैल्यू है माइनस टू। तो वन और माइनस टू में से बड़ा कौन सा है, वन बड़ा है, तो हमें मैक्सिमम वन ही मिलेगा और जो सम है सम का वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सम का जो वैल्यू है वो माइनस टू निकला है इस बार और वो हमारा जीरो से लेस देन है। तो इसी इसीलिए ये जो प्रोग्राम है ये हमारे मतलब ऐसे हम सम एरे को सम करते रहेंगे, सब एरे को सम करते रहेंगे। और आइए इस प्रोग्राम को कोड करते हैं, लगता है आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो हम इस पे हमें फिर 20-30 मिनट्स का वीडियो बनाना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा। हम एक एक कोड को रन करके दिखाएंगे तो फिर आपको समझ में आएगा, पहले हम इसको कोड करते हैं, आइए देखते हैं। मैंने ट्राई किया मेरी तरफ से आपको समझाने की, शायद आपको समझ आ गया होगा, आइए इसको कोड करते हैं। तो हम एक वैल्यू ले रहे थे मैक्सिमम, जो हमारा क्या था, जो नम डॉट, जो हमारा मैक्सिमम था वो हम नम डॉट जीरो रख रहे थे, मतलब नम जीरो मतलब पहला एरे के आई मतलब एरे के जीरो में जो वैल्यू है वो हम पहले नम में स्टोर कर रहे थे। सम क्या ले रहे थे, सम हम इक्वल टू जीरो ले रहे थे और फिर हम फॉर का लूप चला रहे थे। आई जीरो तक, और आई कहाँ तक जाएगा, नम डॉट साइज तक, ये हमारा वेक्टर है तो नम डॉट साइज हमारा साइज निकालने का वेक्टर में उसका फंक्शन है। और फिर आई प्लस प्लस करेंगे तो हमें हर बार क्या करना था, हमें हर बार तीन चीज करना था, हमें सम को ए आर आर से प्लस करना था, और हमें क्या करना था, हमें जो मैक्सिमम था उसको अपडेट करना था अगर ग्रेटर हुआ किससे, सम से। तो हमारा जो प्रेजेंट मैक्सिमम था, प्रेजेंट मैक्सिमम और सम में जो बड़ा है उसको हमें अपडेट करना था मैक्सिमम, और अगर हमारा जो सम था वो लेस देन जीरो होता तो हमें सम इक्वल टू जीरो रिटर्न करना था, मतलब सम को हमें जीरो करना अगर वो नेगेटिव में आया था। तो और ये फॉर लूप से निकलने के बाद हम जो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। आइए इस प्रोग्राम को रन करते हैं।
सॉरी, मैंने यहाँ पे ए आर आर लिख दिया, ये नाम होगा और कहीं पे चेंज लगता है नहीं लगेगा। हाँ, तो हमारा टेस्ट केस एक्सेप्ट हो चुका है, आइए इसको सबमिट करते हैं।